नमस्कार, मैं तुम शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस पेपर लीक मामले के बारे में। तो दोस्तों, जो जोधपुर हाईकोर्ट में जो विद्यार्थी द्वारा याचिका लगाई गई है उसके बारे में, तो दोस्तों उसकी सुनवाई 1 अगस्त को हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि अगली सुनवाई कब होगी, साथ 1 अगस्त को हाईकोर्ट का क्या फैसला रहा उसके बारे में। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि राजस्थान पुलिस पेपर मामले में एक रीट लगाई गई है जयपुर में, तो उसकी सुनवाई 27 जुलाई को हो चुकी है और अगली सुनवाई जो होनी है वो 6 अगस्त को होगी। तो दोस्तों, उसमें क्या फैसला आएगा वो 6 अगस्त को पता चलेगा। तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं जोधपुर हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई गई है उसके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करिए उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केस स्टेटस की। तो आपको यहाँ मैं वो केस स्टेटस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर का ये केस स्टेटस है। तो इसमें जो किसके द्वारा एडिट लगाई गई है वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये जो रीट लगाई गई है ये शिवराम के द्वारा ये रीट लगाई गई है, इसमें ये शिवराम के द्वारा रीट लगाई गई है और किसके खिलाफ, ये स्टेट ऑफ राजस्थान के खिलाफ लिखाई गई है। इसकी जो सुनवाई होनी थी वो 1/8/2018 को हो गई है और इस जो कोर्ट केस नंबर है वो 8/1/2018 को इसमें सुनवाई हो चुकी है। तो दोस्तों, इसकी अगली सुनवाई होने वाली है 20 अगस्त को। तो दोस्तों, अब उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा कि 1 अगस्त को क्या हुआ। तो दोस्तों, 1 अगस्त को हाईकोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा था, ये जवाब जयपुर में मांगा था, ये जवाब यहाँ पे मांगा गया है कि यदि पेपर लीक हुआ तो एग्जाम दोबारा क्यों नहीं करवाते। तो दोस्तों, जयपुर और जोधपुर दोनों ही जगह एक ही बात चल रही है, दोनों ही हाईकोर्टों में एक ही बात के ऊपर चर्चा हो रही है कि यदि पेपर लीक हुआ है तो पेपर लीक कैसे हुआ और हुआ है तो उसको दोबारा करवाइए, तो आप पेपर को दोबारा करवाओ। तो यही जवाब मांगा हाईकोर्ट ने डीएसपी और गृह सचिवालय से। जोधपुर में भी ये जवाब मांगे डीजीपी और गृह सचिवालय व सरकार से। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि 20 अगस्त को क्या फैसला आता है। तो दोस्तों, उससे पहले 6 अगस्त को तो जो हमारे जयपुर में हाईकोर्ट है उसमें सुनवाई होने वाली है, तो उसका क्या फैसला निकल के आता है। अब दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, जहाँ पर बात आती है कि जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट में दोनों जगह एक ही फैसला माना जा रहा है, तो उसके हिसाब से देखिए तो जो एग्ज़ाम है वो दोबारा होगा और जो पेपर था 15 तारीख का वो लीक जरूर होगा, उसकी मान के चलो ये पेपर अवश्य दोबारा होगा, ये 100% ये पेपर दोबारा होगा, मैं आज भी कह रहा हूँ।